हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल स्कूल दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास सेवन साइंस चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें जो वूल है उसके सोर्सेस के हम कहाँ से मिलते हैं शीप से गोट से याक से मींस एनिमल दैट यील्ड्स वूल जैसे पस्मीना वूल हमें हमें पस्मीना गोट से मिलती है कश्मीरी वोट से एंड अंगो, एंगोरा वूल एन गोट से मिलता है एंड याक से हमें याक वूल मिलता है तो हमें फाइनली वूल के सोर्सेस क्या हैं वो हमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे नाउ इन दिस वीडियो विल विल डिस्कस कि हम जो वूल हमें फाइबर मिला है उससे हम वूल फैब्रिक कैसे ऑप्टेन करेंगे इस वीडियो में हम इस इसके क्या क्या स्टेप्स हैं क्या क्या प्रोसेस इसमें होती है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शी। वट इज रियरिंग रियरिंग क्या होता है किसी भी जो एनिमल से है जिनको हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं जैसे काउ, काव बफेलो गोटी इनसे हमें क्या मिलता है किसी से हमें मिल्क मिलता है और किसी से हमें वूल मिलता है तो कमर्शियली इनका यूज होता है इसके लिए उनकी केयर करना उनको ग्रो करना उनको पालना देट इज रियरिंग तो रेयरिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा उसको हमें खाना देना होगा फूड देना होगा जिससे वो क्या करे सर्वाइव करे तो शीप के लिए हम क्या करेंगे फूड ऑफ शीप शीप आर हर्बीवोर्स शीप क्या होते हैं हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स वोट दैट दैट फूड फ्रॉम प्लांट जो प्लांट अपना फूड ऑप्टेन करते हैं एंड फीड जनरली ऑन द ग्रास एंड लीव्स तो सी भी हर्बी बोर्ड्स हैं जो ग्रास से लीव्स से अपना फूड ऑप्टेन करते हैं दे आल्सो फीड ऑन कॉर्न एंड ऑयल केक्स वो कॉर्न में भी कॉर्न से भी अपना भोजन ऑप्टेन करते हैं ऑयल केक्स और ऑयल केक्स क्या होते हैं ऑयल केक्स वे मटेरियल्स से होते हैं जब ऑयल सीड्स से ऑयल को ऑप्टेन किया जाता है ऑयल सीड्स से, से हम ऑयल बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल बच जाता है रिमेन लेफ्ट रह जाता है मटेरियल दैट तो इज ऑयल केक्स तो उस ऑयल केक को भी ये अपने खाने के रूप में यूज़ करते हैं दीज आर दू फूड ऑफ सीड्स नेक्स्ट इज ब्रीडिंग ऑफ सी गुड क्वालिटी ऑफ सीप मतलब टू टाइप के फर बताए थे टू टाइप्स के हेयर बताए थे तो ऐसे सीप को प्रोड्यूस करना ऐसे सीप ऐसे ऑफ स्प्रिंग का बर्थ होना जिसमें जो क्या हो फाइन हेयर हो जिसमें जो सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं ऐसे सीप्स को बॉर्न करना या ऑफ स्प्रिंग ऐसी होनी चाहिए ऐसे सीप्स हमें मिलने चाहिए जिनमें के, के, केवल कैसे हेयर्स सॉफ्ट फाइन हेयर हो, हो जिनसे हमें वूल मिलता है तो उनको ब्रीडिंग करना दैट इज सेलेक्टिवली ब्रेड तो इसमें हम देख लेते हैं सम ब्रीड्स ऑफ सीप बियर ओनली अ कोट ऑफ फाइन हेयर अंडर हेयर मतलब कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं सीप्स की जो क्या करती है फ्लीस होती हैं जिनमें फ्लीस मींस किसको बोला था जो स्किन के साथ बहुत क्लोज होती है फाइन हेयर होते हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं तो इनको रेयर किया जाता है इनको पाला जाता है किसके द्वारा सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा और वट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग द प्रोसेस टू ऑप्टेन एनिमल्स और प्लांट हैविंग स्पेशल करेक्टर ऐसी प्रोसेस होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग जिसमें हम ऐसे एनिमल्स को ऑप्टेन करते हैं जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें चाहिए जैसे सीप में हमें क्या चाहिए फाइन हेयर फ्लीस चाहिए बहुत फाइन सॉफ्ट हेयर वाली तो ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है तो ऐसे एनिमल्स को ऑप्टेन करना जिसमें स्पेशल टाइप के करेक्टर्स हों उनको ऑप्टेन करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग तो सीप को ऑप सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा ही ऑप्टेन किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है पेरेंट्स ऑफ सच एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनमें फाइन हेयर्स होते हैं उनके पेरेंट्स को क्या करा जाता है चूज किया जाता है कि वो ऐसे ऑफस्प्रिंग को ऐसे बच्चों को बर्थ करें जन्म दें जिनमें केवल केवल सॉफ्ट अंडर हेयर हो फाइन हेयर हो ऐसे पेरेंट्स को अलग कर दिया जाता है सेपरेट कर दिया जाता है चूज कर दिया जाता है और देन वो पेरेंट्स ऐसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं जिनमें केवल ऐसे सीप्स को पैदा करते हैं जिनमें केवल क्या होते हैं सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो हमें वूल देते हैं तो इसे बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टेनिंग स्पेशल करेक्टर पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जिससे हमको स्पेशल करेक्टर वाले ऑफ स्प्रिंग मिले हैं दैट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वूल अब हमें सीप से फाइबर्स मिलते हैं उन फाइबर्स को हम वूल फैब्रिक में कैसे चेंज करते हैं इसकी प्रोसेस है इसमें स्टेप्स रखते हैं तो उन मल्टी स्टेप्स होते हैं तो उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं तो वो स्टेप्स क्या शेयरिंग स्कोरिंग शॉटिंग बर पिकिंग डाइंग रोलिंग टू यार दर्स्ट वन इज शेयरिंग शेयरिंग क्या है रिमूवल ऑफ द वुली कवरिंग फ्लीज एलोंग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग शेयरिंग क्या है जो सीप है उसकी जो हेयर्स हैं उसको स्किन के साथ बहुत पतली सी स्किन के साथ बॉडी से रिमूव कर देना जैसे हम अपने सर का जब बुंडन करते हैं या अपने पूरे बालों को अगर काट दिया जाए कभी तो पेन होता है बालों को जब हम पूरा पूरा कंप्लीट काट दे नहीं होता ना उसी तरह जो शीप होती है अगर उनके हेयर्स को भी काटा जाए इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा या मैनुअली कॉम्बिंग द्वारा उनकी बॉडी से बहुत माइनर सी बहुत पतली सी स्किन होती है उसके साथ काटा जाता है तो शीप को भी पेन नहीं होता है उस स्किन के साथ जो हेयर होते हैं उस कवरिंग को बोला जाता है फ्लीस तो फ्लीस को बॉडी से मशीन्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक मशीन्स के द्वारा बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज शेयरिंग शेयरिंग इज जनरली डन इन समर तो शेयरिंग कब की जाती है समर में क्योंकि इनको बालों जो इनकी हेयर्स होते हैं वो इनको वार्म रखते हैं जाड़ों में अगर आप कोल्ड विंटर सीजन में अगर करेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी तो समर सीजन में क्या होता है उन्हें ठंड नहीं लगती है और बाल हम Easily combing द्वारा निकाल सकते हैं रिमूव कर सकते हैं अब आपने से, से उसकी body से बाल तो हेयर्स तो निकाले, तो उसमें बहुत सारी डर्ट होगी डस्ट होगी ग्रीस लगी होती है तो और बहुत सारे कीड़े वगैरह भी उसकी बॉडी में हेयर्स में हो सकते हैं तो उनको हमें अच्छे से धोना होता है वॉश करना होता है ताकि उसमें से डर्ट रिमूव हो जाए सो so, यही क्या है स्कोरिंग वॉशिंग शेयर्ड स्किन जो आपकी सीयर्ड मतलब रिमूव स्किन है उसकी निकली हुई स्किन है बॉडी से उस शेयर्ड स्किन को हेयर्स के साथ वॉश करना ताकि उनसे क्या हो जाए डर्ट एंड डस्ट रिमूव हो जाए दैट इज स्कोरिंग तो स्कोरिंग टैंक्स में भी हो सकती है मैनुअली भी हो सकती है और स्कोरिंग मशीन्स के द्वारा भी की जा सकती है द नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्टिंग तो अब जब हमने उसको पूरी अच्छे से धो लिया है वॉश कर लिया है तो उसमें कुछ छोटे फाइबर्स uh, होंगे कुछ बड़े फाइबर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के फाइबर होंगे अलग अलग टाइप्स के फाइबर होते हैं कुछ उसमें बहुत फ्लफी बहुत स्मॉल से फाइबर होते हैं जिनको बर कहते हैं वो बर्स भी होते हैं तो उनको सेपरेट करना अलग अलग करना दैट इज शॉर्टिंग कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हेयर्स हैं टेक्सचर के हिसाब से उनको फाइवर, फाइवर, उनको लॉन्ग फाइबर्स, शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर, उनको सेपरेट करना दैट इज शॉर्टिंग द नेक्स्ट वन इज बर पिकिंग तो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होते हैं उनको बर बोला जाता है उनको भी हम हैंड पिकिंग द्वारा हैंड के द्वारा हम उनको क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं उनको पिक कर लेते हैं और उसके बाद अगेन उसको क्या किया जाता है जो बर्स होते हैं उनको स्कोर्ट किया, है, किया जाता है उनको वॉश किया जाता है उनको देन ड्राई मतलब सुखाया जाता है और फाइनली बर ही वो फाइबर है जिस जो हमें वूल देता है जो बर है स्मॉल फ्लफी फाइबर है वही हमें क्या देता है वूल देता है द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग अब आपको क्या मिल चुका है आपको बर्स मिल चुके हैं जिससे आपको वूल मिलता है ये वो फाइबर आपको मिल चुका है तो अब आप, आप उस बर को क्या करेंगे उस फाइबर को क्या करेंगे जो हेयर्स हो गए फाइबर में चेंज हो चुके हैं तो आप उनको डाइट कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से उनको डाई कर सकते हैं जो आप चाहते हैं नाव जो हेयर हैं आपको जो सीप से जो हेयर्स मिले हैं वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं द नेक्स्ट वन इज फाइबर्स से फिर क्या बनाया जाता है यार बनाया जाता है यार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा किसी भी फाइबर को स्पिनिंग करते हैं ट्विस्ट करते हैं तो उसका एक गोला सा बनाया जाता है टुगेदर जब बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके रोल करके क्या बना दिया जाता है To, एक साथ रख दिया जाता है तो दैट इज यार्न और फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्पिनिंग तो उसके बाद जो हमको फाइबर्स मिले हैं डाइट करने के बाद उन्हें हम किसमें चेंज कर लेते हैं यार्न में चेंज कर लेते हैं देखिए यार्न मशीन्स में चेंज मशीन्स के द्वारा यार्न नॉर्मली बन जाता है जो फाइबर्स है द प्रोसेस ऑफ फाइबर इन टू वुल कैन बी प्रिप्रेजेंट तो जो फाइबर हमें मिला है वूल से उसको हम कैसे कैसे किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी जो स्टेप्स हैं सबसे पहले शेयरिंग बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना देन स्कोरिंग वॉश करना ताकि उसे डर्ट और ग्रीस वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाए देन सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के जो फाइबर uh, हेयर्स uh, हैं उनको सेपरेट करना देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स फिर उसमें से बर् को पिक करना है और उस बर्ड्स की दोबारा क्लीनिंग करनी और उसे डाई करना है देन उसके बाद उसको अपने डिजायर्ड कलर में उसको कलर्स देने हैं उसको डाई करना है एंड फाइनली जो फाइबर मिला है उसे क्या करना है रोल करना है उसको यान में चेंज करना है और फाइनली जो वूल यान होता है वो क्या होता है उसको नीटिंग करके हम स्वेटर्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं मींस हम फाइबर से फैब्रिक ऑप्टेन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के वुलन क्लोथ्स हमको ऑप्टेन हो जाते हैं सो आई होप आपको क्लियर हो गया आपको कि हमें वूल कैसे मिलता है और वूल से हम वूल फैब्रिक वूल क्लोथ्स कैसे ऑप्टेन करते हैं तो हमने एक एनिमल फाइबर वूल को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर एनिमल फाइबर सिल्क टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट वीडियो